नमस्ते। आज हम टोटल 5 आसना सीखने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कैट काउ पोज से। सो इनहेल योर चिन अप, एक्सहेल योर चिन डाउन। जब हम इनहेल करके चिन अप करते हैं तो बैक बेंड होगी, एक्सहेल करके चिन डाउन करेंगे तो अपर बैक अप आएगी। कीप ब्रीथिंग एंड आप 3 to 5 टाइम्स कर सकते हो। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। नाउ सेकेंड भुजंगासन, द कोबरा पोज। तो दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, इनहेल एंड भुजंगासन। जब भी हम भुजंगासन कर रहे हैं दोनों लेग साथ में होने चाहिए, शोल्डर अप नहीं, शोल्डर डाउन, चेस्ट ओपन, चिन अप एंड कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। हर एक पोज में ट्राई करिए मिनिमम 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करने का। नाउ थर्ड चाइल्ड पोज। सो वज्रासन में बैठना है, योर हील्स एंड हिप्स टच। इनहेल योर बोथ हैंड्स अप एंड एक्सहेल गो फॉरवर्ड। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड इन बालासन, चाइल्ड पोज। कीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्स। ओके, नाउ फोर्थ वन, माउंटेन पोज। सो इनहेल एंड एक्सहेल, माउंटेन पोज यानी पर्वत आसन में आना है। आपकी दोनों नीज स्ट्रेट रखनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, हिप्स अप एंड लेग्स की साइड स्ट्रेच करनी है बॉडी। कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड एंड स्ट्रेच योर बॉडी। कीप ब्रीथिंग एंड स्ट्रेच, इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। नाउ फिफ्थ पादहस्तासन, इनहेल एंड एक्सहेल गो फॉरवर्ड। जस्ट कीप ब्रीथिंग, दोनों हाथ से आप एंकल पकड़ सकते हो। इनहेल एंड एक्सहेल गो फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग जाने का ट्राई कर सकते हो। पोस्चर बिगाड़ना नहीं है, आप टच नहीं कर सकते तो जहाँ तक आपके हाथ जा रहे हैं वहाँ पे ही होल्ड करिए। जब हम होल्ड कर रहे हैं हमारा ब्रेथ नॉर्मल होगा। दोनों नी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। नाउ इनहेल एंड स्लोली कम बैक, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। नाउ जो हमने 5 आसन सीखे वो सारे सीक्वेंस में करते हैं। सो फर्स्ट कैट काउ पोज। सो इनहेल योर चिन अप, एक्सहेल योर चिन डाउन। अब जब अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5 से 10 बार करिए कैट काउ पोज एंड कीप ब्रीथिंग। हाँ, प्रॉपर इनहेल एंड एक्सहेल करना। नाउ सेकेंड भुजंगासन। सो दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, इनहेल एंड योर चिन अप, होल्ड इन नॉर्मल ब्रीथ, दोनों लेग साथ में। इनहेल एक्सहेल, थर्ड वन इज चाइल्ड पोज, बालासन। हम सारे सीक्वेंस कर रहे हैं जो भी हमने 5 आसन सीखे उसकी। नाउ फोर्थ माउंटेन पोज, स्ट्रेच करिए बॉडी को। मैं होल्डिंग ज़्यादा नहीं कर रही बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको होल्डिंग करनी है। नाउ फिफ्थ लास्ट इज पादहस्तासन, दोनों लेग्स आगे लाने वॉक करके एंड होल्ड। कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड। नाउ इनहेल एंड योर बोथ हैंड्स अप एंड रिलैक्स। थैंक यू सो मच।